लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर महानगर में बढ़ रही ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन उपरांत बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पीतल दस्तकारों को काम मिला है। पीतल दस्तकार आइटम पर गैस बेल्डिंग का कार्य करते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पिछले 15 दिनों में 300 रुपए से बढ़कर 800 एवं 1000 रुपए तक ब्लैक किया जा रहा है। इसी प्रकार से हो रही ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी पर सरकार द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस की अस्पतालों को भी जरूरत पड़ रही है, लेकिन गैस की कालाबाजारी के चलते ये कार्य भी बामुश्किल हो रहा है। सरकार को ऑक्सीजन गैस की जरूरत को देखते हुए इसकी उत्पादन इकाइयों को बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि सरकार ऑक्सीजन गैस के उत्पादन प्लांटों को सुचारू रूप से चलाए। इससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बाजार में उपलब्ध होंगे और गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का एक ज्ञापन जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को संबोधित है। ऑक्सीजन गैस की डिमांड बढ़ने के कारण उत्पादन के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी, उत्पादन लागत नहीं बढ़ी है, लेकिन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वाले उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। जो भी सप्लाई दे रहे हैं वो जो 300 रुपए का सिलेंडर था वो आज 800 से लेकर 1000 रुपए तक का बेचा जा रहा है। अगर आपके पास है नहीं माल तो उसको उत्पादन लागत ना बढ़ने के कारण महंगा क्यों बेचा जा रहा है। हमारा कहना यह है, हमारा सरकार से अनुरोध यह है कि आप ऑक्सीजन गैस की जो कालाबाजारी हो रही है, जब उत्पादन लागत बढ़ी नहीं है तो उसका महंगा कैसे बेचा जा रहा है। और जो प्लांट ऑक्सीजन गैस के बंद पड़े हैं, सरकार और जिला प्रशासन उस प्लांटों को शुरू करवाए, उनकी मदद देकर, ताकि ऑक्सीजन गैस की अस्पतालों की ज़रूरत है और पीतल के जो दस्तकार हैं उन्हें ऑक्सीजन गैस का कारोबार ना मिलने के कारण उनका कारोबार बंद हो रहा है, उनकी मजदूरी भी नहीं बढ़ रही है। तो हमारा अनुरोध प्रशासन से यही है, पीतल दस्तकारों को ऑक्सीजन गैस जो बेल्डिंग में काम आती है।